और एक ईश्वर के बल से यीशु मसीह को वो लेकर आया और पूरी दुनिया को उसने उद्धार दिया। क्या दिया? पूरी दुनिया को उसने, पूरी दुनिया को उसने उद्धार दिया, पूरी दुनिया को छुटकारा दिया। तो वो क्या हमको नहीं देगा? और एक वेश्या के वंश से यीशु मसीह को वो लेकर आया और पूरी दुनिया को उसने उधार दिया। क्या दिया? पूरी दुनिया को उसने, पूरी दुनिया को उसने उधार दिया, पूरी दुनिया को छुटकारा दिया। तो वो क्या आपको नहीं देगा? पर वेश्या ने जिस देश में रहती थी उस राजा की परवाह नहीं की, उस परमेश्वर की परवाह की। वो जानती थी कि जो लोग हमारे देश को लेने वाले हैं, इस पर कब्जा करने वाले हैं, इनका परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। बोलो क्या है? वो बहुत ताकतवर है परमेश्वर। इसलिए कहता अपना हयाब ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने ये काम उन्हें छिपाया, अपने घर में रखा, अपनी जान पर खेलकर। अगर राजा को पता लगता कि ये मेरे देश में रहने वाली औरत एक दूसरे देश के, क्या उन्हें कैसे बोलेंगे? अपराधी के क्या बोलेंगे? दूसरे देश वाले लोग क्या बोलेंगे कैसे करके? हाँ, नहीं नहीं, मान लो जैसे दूसरे देश वाले दूसरे देश में घुस आए तो क्या बोलेंगे उन्हें? हाँ, घुस बैठिए, हाँ, जहां तो आदि कि तरह भी दूसरे लोग आगे हमारे देश में, तो उन्हें उसने छुपा लिया है। तो उसने जान पर खेल कर ये काम किया। बोलो अपनी जान पर, ये अपने अपने देश की, अपने राजा की, अपने संविधान की नहीं, उसकी परवाह नहीं की, पर उस परमेश्वर की परवाह की जिसकी चर्चा वो, जिसने उस वेश्या ने सुनी थी कि परमेश्वर इस प्रजा को, इस जाति को कैसे मिस्र से निकाल लाया, कैसे उनके साथ बड़े बड़े चमत्कार किए, हाँ? कैसे उस सिहोन, उस राजा के दो वंशों को, जातियों को नष्ट किया, कैसे उस लाल समुद्र को सुखा दिया। वो वेश्या जानती थी कि जिस परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं वो कितना पावरफुल और कितना सामर्थी है। बोलो क्या है? कितना वो पावरफुल, कितना सामर्थी है। अरे उसके प्रेम को समझो। उसने ये काम अपनी जान पर खेल कर करके, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, इसलिए उसका घराना बचाया गया। और बाइबल में लिखा आज तक उसका वंश उस इज़राइल देश में उन लोगों के बीच रहता है। बोलो क्या? आज तक उस वेश्या का वंश अभी तक रहता है उस इज़राइल में। पर ये परमेश्वर से कम कब करता है? बोलो क्या है? क्योंकि एक वेश्या जानती थी कि जिस परमेश्वर पर ये शास करते हैं वो कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है। उसने कहा इस देश के लोगों का, तुम्हारे परमेश्वर के जो बड़े बड़े चमत्कार करने वाला, उनका भय इस देश के लोगों के, मारे लोगों में समाया हुआ है और ये डर रहे हैं। और मैं जानती हूं उसने वो काम अपनी जान पर खेल कर किया। परमेश्वर ने उसको वंश को बचाया। बोलो क्या बुलाया? उसके वंश को बढ़ाया। बोलो क्या? और अपने राज का अधिकारी बनाया। आमीन। इसी वेश्या के द्वारा परमेश्वर ने, जो एक अन्य जाति औरत थी जिसका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था, उसे इस्तेमाल किया और इसी के वंश से परमेश्वर ने यीशु मसीह को लेकर आया। बोलो क्या है? इसी राहब, एक वेश्या औरत के कुल से, इसके जीवन से परमेश्वर यीशु मसीह को लेकर आया। चलो मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आए। मत्ती में जाओ। अगर हम मत्ती की 1:5 पढ़ो तो यहां पे लिखा सलमोन और राहब से बोझ उत्पन्न हुआ, और बोझ से रूत से अबेद उत्पन्न हुआ, और अबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो ओरिजा की पत्नी थी, और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय। ये अलग अलग नाम लिखे गए।
परमेश्वर कैसे काम करता है। लिखा उस वेश्या से परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा के वंश एक सलमोन नाम व्यक्ति से, उस रहाब जो वेश्या थी उसकी शादी हुई। क्या हुई उसकी? उसकी शादी हुई और उसी से लिखा बोज उत्पन्न हुआ, जिसकी शादी रूत से हुई और रूत से ओबेद और ओबेद से आगे आगे जातियां हैं। अगर हम इसके आगे पढ़े, तुम पूरा पढ़ना इसको, और ये सब नाम लिखे हैं। बोलो क्या है? ये सब नाम लिखे गए हैं। अगर हम 16 पढ़े तो लिखा जकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु मसीह, मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता उत्पन्न हुआ। देखो एक ध्यान से इस चीज को नोट करो, ये हमेशा ही जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पिता का नाम आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो किसका नाम आता है? उसके पिता का नाम होता है। इसका पिता कौन है? तो ये जो अभी मैंने आपको वचन पढ़ा है ना सारा, ये सब आदमियों के नाम है, पर जब यीशु मसीह पैदा हुए तो किसी आदमी का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? मरियम से पैदा हुआ। बोलो क्या है? पहले नाम आ रहा है सलमोन से राहेब की, जब शादी हुई तो उनसे कौन पैदा हुआ? बोज, और बोज से ओबेद। तो किसके नाम आ रहे? आदमियों के नाम आ रहे, पर जब यीशु मसीह पैदा हुए तो आदमियों के नाम हटकर औरत का नाम आ गया कि यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? मरियम से, क्योंकि उसका पिता कौन था? बोलो उसका पिता कौन था? तो उसका पिता कौन था? वो परमेश्वर था जिससे वो पैदा हुआ और पवित्र पैदा हुआ। इसीलिए लोग जानते नहीं और वो लोग कहते हैं कि ऐसे हो सकता है। अभी अभी इंटरनेट पे, मीडिया पे कितनी लोगों ने वीडियो डाले, एक दूसरे से कह रहे हैं तुम कहते हो यीशु का पिता नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? साइंस विज्ञान कहती है कि बिना माता पिता से बच्चा पैदा हो नहीं सकता। साइंस विज्ञान कहती है कि माता पिता के बगैर बच्चा पैदा हो नहीं सकता। बोलो क्या है? बिना माता पिता से बच्चा, साइंस कहती है। तुम कैसे कहते हो कि यीशु का पिता नहीं हो, ऐसे ही सिर्फ पैदा हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो लोग जानते नहीं है। साइंस आज है। बोलो क्या है साइंस? साइंस आज की बात है, परमेश्वर हजारों सालों का परमेश्वर है। हाँ? साइंस आज है।